एक निर्णय ये किया गया कि जो आर्म्ड फोर्सेस की एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, जिसमें सभी पुराने सोल्जर्स आते थे, उसमें कुछ एक्सक्लूडेड कैटेगरीज थी और उन एक्सक्लूडेड कैटेगरीज में आज भी वर्ल्ड वॉर टू के वेटरन्स हैं या उनके स्पाउसेस जो आज भी हैं, इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स और प्रीमैच्योर रिटायरीज। इन चारों कैटेगरीज में जो एक्स सर्विसमैन हैं और उनके स्पाउसेस, ये जो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, इसकी सुविधा अब उनको भी प्राप्त होगी। उनमें से जो भी चाहे अपना कंट्रीब्यूशन देके इसमें शामिल हो सकता है। इन तीन कैटेगरीज में अब कितने आते हैं, अंदाजा है कि लगभग 45,000 परिवार कवर होते हैं, और जिसमें जो एक्स सर्विसमैन प्लस उनके स्पाउसेस स्कीम के अंदर कवर होंगे। एक इसमें वॉर विडोज भी आती हैं। वॉर विडोज के केस में एक एक्सेप्शन है कि उनसे कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता। ये जो शुगर सेक्स मिल्स के लिए पिछली बार हमने इंटरेस्ट सबवेंशन की एक स्कीम बतलाई थी, उनकी अभी जो स्ट्रेस है कुछ आउटस्टैंडिंग्स के, तो सरकार बार बार कोशिश कर रही है कि उस सेक्टर में, शुगर सेक्टर में मिल्स की इनकम ऑगमेंट हो, तो उसके लिए एक एथनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी और इंक्रीज्ड कैपेसिटी की सुविधा उनको दी थी। उसको ऑगमेंट करने की दृष्टि से आज सरकार ने एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट उसके लिए प्रोवाइड की है। ये एडिशनल फंड्स दो कैटेगरीज में होंगे, इसका डिटेल नोट आपको विभाग से आ जाएगा। इट विल बी रुपीज 2,790 करोर्स एंड 565 करोर्स, तो कुल मिलाकर 3,300 करोड़ के करीब होगा। रिवाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयर स्ट्रिप्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। देश भर में राज्य सरकारों के पास बहुत सारी एयर स्ट्रिप्स हैं जहां पर केवल एयर स्ट्रिप है, एयरपोर्ट्स नहीं है उन डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके अलावा कई सिविल ऑन क्लेव्स हैं, CPSUs के पास हैं, हेलीपैड्स हैं और वाटर बेस्ड एरोड्रोम्स हैं। इसको रिवाइव करना और एक्सपैंड करना, इनमें से कुछ की कोशिश थी कि बिडिंग रूप से इनको दिया जाए, और ये प्रोसेस 2018 के दिसंबर तक समाप्त होगा। एक टोटल कॉस्ट इसमें सरकार को 4,500 करोड़ 4,500 करोड़ की आएगी, और इसकी जो डेट है वो मार्च 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई है। और इसमें से कुछ ऐसे हैं, नागार्जुना सागर, सो रिजर्वायर, गुवाहाटी रिवर फ्रंट, स्टैचू ऑफ यूनिटी, साबरमती रिवर फ्रंट, शत्रुंजय डैम, इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, जो ऑलरेडी अवार्ड हो गए हैं क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एक पावर सेक्टर के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय थे, और एक निर्णय था कि जो स्ट्रेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके स्ट्रेस को कम करने की दृष्टि से और उसके प्रोसीजर सिंप्लीफाई करने के लिए, और विशेष रूप से
इनमें कई प्लांट्स ऐसे थे जिनके पास पीपीएस नहीं है और इसलिए कोल उपलब्धि के उनको चैलेंजेस होते थे। तो एक पॉलिसी इस पे बननी थी जिसके लिए एक जीओएम बना था और उस जीओएम की रिकमेंडेशन आज कैबिनेट के सामने आई थी और उस जीओएम की रिकमेंडेशन को आज अप्रूव कर दिया गया है। ये जो डिटेल्स में मैं इसलिए नहीं जा रहा, बहुत सारे आइटम्स हैं और आपको कंसर्न मिनिस्ट्रीज से इसके नोट्स आ जाएंगे। एनएचपीसी की ये जम्मू कश्मीर के संबंध में है, जो चेनाब वैली प्रोजेक्ट है उसमें एनएचपीसी की इन्वेस्टमेंट और अप्रूवल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इन दोनों के संबंध में आज कैबिनेट के सामने आया था जिसको कि अप्रूवल दी गई है। एक लैंको का जो तीस्ता हाइड्रो प्रोजेक्ट था, ये बैंकरप्सी कंडीशंस की वजह से उस प्राइवेट कंपनी का प्रोजेक्ट आईबीसी के सामने था, इस पे एनएचपीसी की बिड हाईएस्ट थी और क्योंकि पब्लिक सेक्टर की बिड हाईएस्ट थी उस प्रोसेस की वजह से, तो इसको एनएचपीसी को टेक ओवर करने की अनुमति दी गई है। बक्सर बिहार में एक 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट टू बी डेवलप्ड बाय एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट अ सब्सिडरी ऑफ एसजेवीएम लिमिटेड, इसको अप्रूवल दिया गया है। उसी प्रकार से खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश एंड अमेलिया कोल माइन इन मध्य प्रदेश, इसको टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड उसकी इन्वेस्टमेंट को इस पावर प्रोजेक्ट में और इस साथ अटैच्ड माइन जो मध्य प्रदेश में है उसके लिए अप्रूवल दिया गया है। रेलवे विभाग की तरफ से नारायणगढ़ जो वेस्ट बंगाल में है उससे लेकर भद्रक तक 155 किलोमीटर का रेलवे लाइन है, ये थर्ड लाइन होगी जिसको कि 2031 करोड़ के अप्रूवल के साथ सैंक्शन कर दिया गया है। पिछली बार हम लोगों ने जो एसेट्स थे इंक्लूडिंग इमोबल प्रॉपर्टी शेयर्स जो दीपम विभाग के पास आते हैं एनिमी प्रॉपर्टी के थ्रू या किसी सीपीएससी के, उसका जो प्रोसीजर था उसको अप्रूव किया गया था। आज कैबिनेट ने जो नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर है थ्रू एन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म जिसमें मैं और हाईवे मिनिस्टर रोड मिनिस्टर गडकरी जी होंगे और तीसरा फ्लोटिंग मेंबर होगा जो कंसर्न डिपार्टमेंट जिसका पीओसीयू है, उसको ऑथराइज किया और उस प्रोसीजर को एक प्रकार से अप्रूव किया गया है। एक बड़ा निर्णय मुंबई के संबंध में है कि मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेस 3A, इसमें कई रूट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उसकी एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए। एक्सपेंशन की जो न्यू मुंबई एरियाज वगैरह बन रहे हैं मुंबई के आसपास वहां तक पहुंचे, और मॉडर्नाइजेशन इस दृष्टि से कि वहां एक्सीडेंट्स काफी होते हैं क्योंकि पैसेंजर्स का ओवरलोड है, तो उसके मॉडर्नाइजेशन ऑटोमेटिक डोर क्लोजर्स एक्सेट्रा, इसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रेल विभाग का आया था जिसकी टोटल कॉस्ट 54,777, उसको आज मंत्रिपरिषद ने अप्रूवल दिया है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन रहेगा इसकी फंडिंग में। एक इम्पॉर्टेंट निर्णय जो मंत्रिपरिषद के पास आया कि सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स काडर ऑर्डिनेंस 2019 को आज अप्रूव किया गया है। पहले इसमें यूजीसी की गाइडलाइंस होती थी, उन गाइडलाइंस के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी के उनको एक यूनिट माना जाएगा और इसमें तीनों रिजर्व्ड कैटेगरीज एससी एसटी ओबीसी इस निर्णय की वजह से उनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल कम हो गया, कुछ का तो नेग्लिजिबल हो गया।
और इस वजह से लेकर उस अंडर रिप्रेजेंटेशन को करेक्ट करने के लिए आज जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स अकाडर है एक्ट है उसको उसके संबंध में एक कानून बनाया गया है और ऑर्डिनेंस के माध्यम से और उसका मूल सार ये है कि अ यूनिवर्सिटी विल बी टेकन एज वन यूनिट. The cabinet approved the Central Educational Institution Reservation and Teacher Cadre Ordinance 2019. This has been necessitated because earlier this field was governed by UGC circulars, and interpreting those UGC circulars, the Allahabad High Court had said, delivered a judgment which was upheld by the Supreme Court, that every department should be independently taken as a unit. And the roster which was formulated resulted in either under-representation or negligible representation of SC, ST and also OBCs. And therefore, there was a demand that the anomaly created by this should be undone. This matter was considered. The government had said that we will wait for the judgment of the Supreme Court and the review proceedings. The review was also rejected. And therefore, the basis of that judgment has been altered and a new law has been brought in, wherein a university, there's a categorical declaration that a university will be taken as one unit. Border areas mein, jo flood management hai, उसका जो प्रोग्राम चल रहा था 2000 उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 19-20 तक और इसके लिए टोटल आउटले रुपीज 3,342 करोड़ की है. सिमिलरली जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है जो 2020 में समाप्त होना था उसको 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है ऑन एन आउटले ऑफ रुपीज 7,300 क्रॉस. 50 न्यू केंद्रीय विद्यालय. द गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल टुक अ डिसीजन. इवन द एरियाज हैव बीन आइडेंटिफाइड विच द एचआरडी मिनिस्ट्री विल टुडे लेट यू नो. आज देश में 12,002 केंद्रीय विद्यालय हैं और 3 विदेशों में हैं. 50 और हैं. इनमें से बहुत अधिक संख्या में जो वहाँ है जहाँ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड हैं उनके परिवारों के लिए यह सुविधा एजुकेशन की और ये अधिकतर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज वाले हैं. इन एरियाज में इनमें से 15 होंगे जहाँ रेलवेज के इम्प्लॉयज बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है वहाँ होंगे और सिमिलरली जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत अधिक डिप्लॉयमेंट है वो एरियाज चुने गए हैं और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ एजुकेशनल सुविधाओं की कमी महसूस हो रही है. इसके अतिरिक्त 3 प्रायोरिटी कॉरिडोर्स दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के उनका आज मंत्रिपरिषद ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है. ये 3 कॉरिडोर्स होंगे एरो सिटी से तुगलकाबाद तक, आरके आश्रम से जनकपुरी तक और मुकंदपुर से मौजपुर तक. ये लगभग 66.932 किलोमीटर्स होगा. फेज 4 का मेट्रो है और इसकी टोटल लागत जो होगी उसका एक शेयरिंग पैटर्न है ये 24,948 करोड़ 0.65. The cabinet today approved a proposal for phase 4 of the Delhi metro
which will cover three new lines from Aero City to Tughlakabad, from RK Ashram to Janakpuri, from Mukandpur to Maujpur within the Delhi area. This will cover a total distance of 66.932 with an outlay of rupees 24,948.65 crores. The Atal Innovation Mission, on an estimated expenditure of rupees 3,552.27, has been extended till 2025. The Power Ministry will give you the details rather than my reading them right now. They'll put it on the net just now. They have sent a proposal to the Cabinet which was approved on the measures to promote hydropower sector. I think there's one or two items maybe there. The Niti Aayog had placed before the Cabinet today a strategy paper for transformative mobility and battery storage. Because as we move into mobility and battery requirements in several areas, including automobiles, telephony, and other electronics, we have to augment our capacity. That approach paper was also approved. And the last, and one of the, and one item related to a large part of the area belonging to the Bhopal Airport. Bhopal Airport ke saath, jo zameen hai Airport Authority ki, usme 106 acre ke upar encroachment hai. To wo zameen state government ko transfer karne ka nirnay liya gaya hai. Jo hamari scheme thi ki jo state levies hain exporters ki, wo 2019 mein expire kar rahi hai, jo ki central subsidize karta hai textile sector ke liye, usko 6378 rupaye ki lagat ke saath usko ट्रांसफर कर दिया गया है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 3 और वर्षों के लिए. और एक बड़ा आइटम आज का था जिसका संबंध था कि दिल्ली में जो अनधिकृत कॉलोनीज हैं इनकी जमीन को लेकर, क्योंकि वहां पर निर्माण हो चुका है, हैबिटेशन वहां पर रियलिटी है, लोग वहां लाखों की संख्या में रहते हैं और दिल्ली की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां पर रहता है. तो उन कॉलोनीज के साथ क्या किया जाए, तो एक कमेटी गठित की गई है आज मंत्रिपरिषद द्वारा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की अध्यक्षता में, कि जितने भी ये लैंड्स हैं जिसमें कुछ मॉर्गेज हैं, कुछ के साथ और कोई स्ट्रिंग्स अटैच होंगे, इनकी ओनरशिप लोगों को किन टर्म्स कैसे ट्रांसफर की जा सकती हैं, इसकी फिजिबिलिटी और इसका संभावना क्या है, उसको उसके बारे में सुझाव दिया जाए. लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की अध्यक्षता में ये कमेटी होगी. इस पे अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय का पेपर था, वो आज आपको डिटेल ब्रीफिंग करेंगे और कमेटी के सदस्य कौन कौन होंगे. और 3 महीनों में इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट्स देने को कहा गया है ताकि इन अनऑथराइज और अनरेगुलराइज कॉलोनीज को किस प्रकार से रेगुलराइज करने की योजना बन सकती है और किन टर्म्स पे बन सकती है. रवि जी कुछ कहिए. इंग्लिश में बोल रहा हूँ. अच्छा, आप बोल रहे. दी कैबिनेट अप्रूव टुडे अ प्रपोजल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट to constitute a committee headed by the Lieutenant Governor of Delhi to consider and submit a report within 3 months
on the issue of people residing in the unauthorized and the unapproved colonies of Delhi. A very large number of people in Delhi are residing in these colonies. These have become a de facto reality. And therefore, we have to look into ways and means and legality of how this regularization can take place, and if so, on what terms. Within 3 months, the committee headed by the Lieutenant Governor of Delhi will submit a report to this effect to enable the Government of India to take an appropriate decision. The Ministry of Urban Development will be giving you a detailed briefing on this in the course of the day. That's all I have to say, Ramji. And sir, just to add only one thing. Just as Arun ji stated about transformative mobility and battery storage about the car, etc. In this connection today, an important decision has been taken by the cabinet to make India a hub of battery manufacturing for cars, to electronics, to etc. Battery ki zarurat bahut padti hai. Aur jo hum log ki study thi ki 90% jo battery hai, wo China, South Korea, Japan, US and Thailand mein hi concentrated hai. To due incentive dekar, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक में भारत में बहुत तरक्की हो रही है, मोबाइल से लेके बाकी में, तो बैटरी भी बननी चाहिए. उसके लिए एक बहुत बड़ी आज बड़ा फैसला हुआ है कि विल गिव ड्यू इंसेंटिव टू मेक इन इंडिया प्रोग्राम आल्सो फॉर बैटरी स्टोरेज. आई थॉट ओनली दैट आई हैड. In this, the number is very large, but the civil aviation department, they'll clarify it to you. I'm saying it out of memory because I went through the cabinet note, has identified 50 in this space, 50 more. Yes. Because the airstrips exist, the lands are there, some more lands will be required. So what you need to develop is the technology, the facilities for the airport, both technical and the passenger goods related. Just to clarify on the first issue, 128 routes were assigned to 5 airlines operators for 43 unserved or undeveloped airports. Okay, the response from the airlines in the second round of bidding has been 86 proposal for 325 routes. Therefore, it is rising day by day, and as Honorable Arunji rightly stated. Now with other waterway also being developed as a more operations for aeroplane for passengers use, is going to diversify. You see, more and more. You must appreciate the on first principles the reason. The reason is that airline passenger traffic is growing very phenomenal, and over the next several years, it'll grow more. And when it grows more, you'll need more planes, you'll need more airstrips, you'll need more airports, you'll need heliports. So modes of transportation is decreasing. And this is almost directly linked to affordability, economic growth, expansion of middle class, expansion of people who are aspirational. Sir, I had a quick query on the announcement regarding strategic divestment. Will any of these proposals which Niti Aayog had sent, will it be possible in the remaining term of the government? And because the proposals had come quite some time back, why did it take so long to take this mechanism to take? We have set a target, and year after year, it's the first government which is meeting the target. Last year, we beat the target. This year also, we are going to meet the target. So as I said, my answer is the same what I told Abbas. It's not never a last day. Sir, sir, one question on this Kendriya Vidyalaya you said, sir. That new Kendriya Vidyalaya, what we have learned that some of the Kendriya Vidyalaya actually had been, you know, operating and they had not taken cabinet decision or approval. So all these 50 are new or also include some of these? These are new. Okay. And as I told you, the primary consideration has been where there is a very strong center of employees of various central government institutions or instrumentalities.
For instance, a large number are in the left-wing extremism areas, in the railways areas, where the security forces are. And then, of course, such areas where educational good institutions are underrepresented. Sir, coming back to the mobility and transportation, that a proposal by the Niti Aayog, what are the incentives being thought of? Could you elaborate? The Niti Aayog will, all these issues, you will get a detailed note. Because by this day itself, and I'll request the PIB also to go ahead into that. Yes, sir, please. Alag se koi sir sawal hai cabinet se alag sawal hai to abhi abhi cabinet baad mein ministry se shuru karenge. Yeah. Quickly, ek second. Sir, could you explain the procedure approved for the alternative mechanism disinvestment? What exactly is the procedure? Procedure normally is that wherever either divestment or privatization has to take place, there is a system which operates, and then it is operated at the level of the secretaries of the Government of India. It's finalized. In principle, approval is first taken from the authorized mechanism. The authorized mechanism comprises of the finance minister, the minister for transportation, Mr. Gadkari. We are the two permanent members. And whichever ministry that PSU is linked to, that concerned minister comes by rotation in that. That's the authorized mechanism. So first we give an in-principle approval. Thereafter the modalities are worked out by the group of secretaries, etc. And finally, the mechanism is again put up before us. That is approved. And then there are some last minute approvals. What is the price? What is the band ratio, etc. Which is, of course, market sensitive information, which we always take at the last minute. You see, this procedure which has been existing, detailing of every step to be taken in this, has been now given a ratification by the cabinet. The authorized mechanism has also been operating under a decision of the cabinet. You see, my understanding is that governance doesn't stop. Anything which can have an impact on elections should not be done. New policy decisions, new schemes, transfers of people concerned with electoral process, appointment of any, you see, if a government of secretary retires, let's say on the 31st of March, obviously a new secretary will have to come in. But if you have to make an appointment which is political in nature, then that can have an impact. So I think this is the normal criteria. And if there is something which is so pressing you have to do, then you take the prior approval. State governments also take the prior approval, center also does it. Governance doesn't stop. So just one clarification, all these funds that have been allocated for these projects, is it over and above the budget, or some of it will be through the savings of different ministries? You see, most of these expenditures are spread over years. So within the budgets or revised estimates which come, you will provide each year. After all, even for the coming year, the regular budget has to come. Sir, related to cabinet? Who gets it? Yeah. Name. Any cabinet? Cabinet? Yes, please. Ask. Please, quick. Ethanol additional capacity के लिए जो soft loan दिया गया है, सिर्फ sugar company के लिए है या फिर non sugar companies के लिए soft loan का benefit मिलेगा? नहीं, sugar company. अब sugar company. इसके पीछे उद्देश्य ये था कि sugar sector की companies जो stress में हैं, देश के कई हिस्सों में. एथनॉल पॉलिसी के पीछे जब हमने एक्सपेंशन किया था, उसके पीछे उद्देश्य यह था कि उनको विकल्प एडिशनल इनकम का एक जरिया हम लोग बना दें. तो उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है. पिछली बार उनकी इंटरेस्ट सबवेंशन दी थी ताकि जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं उसको पे करने में उनको सुविधा मिल पाए. सर, दिस एडिशनल फंड्स टू शुगर मिल्स, विल इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द केन एरिया? इट्स, you see, this does not have an immediate impact overnight, because when you are augmenting the ethanol production capacity, this in the medium term certainly will add to their strength and income. So it won't take care of the problem which is existing today, but down the road over the next 6 months, medium term, long term, certainly it will help. Thank you.
We are more decisive. Okay. हाँ पूछिए जेटली जी कि प्रधानमंत्री हो या आप कहते हैं कि अगर राफेल होता तो एयर स्ट्राइक करने में सहूलियत होती इस पाकिस्तान के खिलाफ लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि राफेल पर इतना घपला हुआ है कि राफेल में प्रधानमंत्री को बचाने के लिए फाइल भी गायब हो रहा है चौकीदारी ठीक से नहीं कर रहे और प्रधानमंत्री के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए I think my friend Ravi Shankar ji has already commented on it. Already, the government has repeatedly made its position clear on the issue. The Supreme Court has spoken on it. The petitioners are taking one more chance. The CAG has already analyzed it. No dynast can claim that he is above the Supreme Court or the CAG, and those verdicts and findings don't apply to him. Today's comment, which was made by the Congress Party and its president, I'm told the words were very few. The facts were completely wrong and the motivation was also collateral. The Congress Party has in the last few days, through statements of its senior leaders, boxed itself into a corner in a very difficult situation. They are getting high TRPs in Pakistan television, on Pakistan television. But there is a revulsion as far as domestic opinion in India is concerned. And therefore, the motivation today was collateral. To shift the focus and take up an issue which is factually false and where every fact and every falsehood spoken has been exposed. Rafael ka jo vishay hai उस पे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुका है सीएजी अपना रिपोर्ट दे चुकी है पेटिशनर्स एक और प्रयास कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और अभी तक जो जो तथ्य आए हैं कांग्रेस पार्टी ने हर फैक्ट के ऊपर झूठ बोला है उनके नेता ने हर फैक्ट पे झूठ बोला है ये सिद्ध हो चुका है तो आज जो बयान दिया उसके पीछे उद्देश्य बड़ा स्पष्ट था शब्द बहुत संक्षिप्त थे जो तथ्य थे वो बनावटी थे गलत थे और जो नियत थी वो अपने आप को जिस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय को लेकर अपनी स्थिति खराब की है उससे जनता का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करना था ये प्रयास पिछले दो दिन में हो रहा है जो कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर
अभी तक बयान दिए हैं और फोर्सेस के स्पष्ट बयान के बाद उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया है, पाकिस्तान टेलीविजन पे तो उनको स्पेस मिल रही है लेकिन देश में घृणा भाव उनके खिलाफ है। अपने आप को उस गंभीर परिस्थिति से बचाने के लिए कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा का ये मुद्दा हमारी से हमें मुक्त करवाइए, ये ध्यान दूसरी और एक फर्जी विषय पर आकर्षित करने का प्रयास था। Let me make clear what goes on in court. Let's leave it for the court to decide. It's obvious that defense notings of a sensitive interest to this country have been leaked out. And don't forget, we have a very free press in India, we respect it. But even the framers of the Constitution said national security is an exception. And that has never been challenged in the last 72 years. देखिए इसका एयरफोर्स चीफ जवाब दे चुके हैं, जिनकी ये जिम्मेवारी है सरकार में, जिनके पास ये सारी जानकारी है वो जवाब दे चुके हैं। और इस प्रकार से विषय ये नहीं है, मूल विषय है कि अपने आप को भारत ने आतंक के जहां रूट्स थे, जहां आतंक की जड़ थी, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से और एयर स्ट्राइक्स के माध्यम से उस जड़ को उखाड़ के फेंकने का प्रयास किया है और उसमें भारत सफल रहा है। और कुछ लोगों को इसमें तकलीफ क्यों होनी चाहिए, इसका तो सारा राष्ट्र स्वागत कर रहा है। हम लोग आतंक से पीड़ित रहे हैं, जनता को और देश को आतंक से मुक्त करवाने के लिए हम केवल रक्षा की मुद्रा में रहें, अपने आप को आतंक से बचाते रहें, डिफेंसिव पोस्चरिंग में रहें, या आतंक की जड़ तक पहुंचे जहां वो पैदा होता था। स्वाभाविक है कि इस नई परिस्थिति में पूरे देश ने हमारी सरकार का निर्णय लेने के लिए और हमारी सेना का पहले और एयरफोर्स का भी खूब समर्थन किया है, उनका अभिनंदन किया है, उनकी योग्यता का अभिनंदन किया है। तो इसलिए इस इतनी महान अचीवमेंट को हम केवल ये छोटे छोटे इश्यू उठाकर डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञों को, जिसमें मैं भी हूं, ये समझ लेना चाहिए कि जनता हमसे ज्यादा समझदार है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।